हमीरपुर जिला के ग्राम पंचायत सराहड़ के गांव कटियारा में मृत्यु भोज के प्रसाद खाकर दर्जनों लोग अचानक बीमार पड़ गए हैं। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन 37 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं और इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति की मृत्यु के 10वें दिन क्रियाक्रम के दौरान एक रस्म पूरी करने के बाद प्रसाद के तौर पर चने लोगों को वितरित किए गए थे, जिन्हें खाने वाले लगभग सभी लोग बीमार हो गए हैं। रात को ही कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई, वहीं कुछ लोग अगले सुबह बीमार हो गए और अधिकतर लोग उल्टी और दस्त से पीड़ित हैं। मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन मरीजों का विधायक राजेंद्र राणा ने भी कुशल क्षेम पूछा। कटियारा गांव निवासी का कहना है कि जो लोग मृत्यु भोज में शामिल हुए थे वही लोग बीमार हुए हैं। लोगों को उल्टी दस्त और सिर दर्द की शिकायत है। ग्रामीण का कहना है कि उनकी पत्नी बीमार है, वे भी मृत्यु भोज में शामिल हुई थी। उसकी तबीयत गत रात को ही बिगड़ गई थी, लेकिन कुछ लोग अगली सुबह भी बीमार हुए हैं। खाना खाया सर, एक जगह पे मरने में वही हुआ, उसी खाने से हुआ। मतलब पूरा चाप जो खाई थी ना उससे हुआ। चने वो चाप होती है ना, मरने के बाद होती है ना 9-10 को, उसी से हुआ है। आधा गांव मतलब बीमार है। जिन्होंने मतलब ये खाया है वो बीमार है, जो नहीं खाया वो घर पे सही है। मेरे साथ में सर, मेरी बीवी के साथ हुआ है। जो जैसे मरने के बाद 10वें दिन जो कपड़े धोने जाते हैं, वहाँ पे इन्होंने चने और हलवा टाइप खाया था, जो जिससे आधे से ज़्यादा गाँव जो बीमार पड़ा है। और जिन जिन्होंने खाया है वो बीमार है, और जिन्होंने थोड़ा सा खाया था वो थोड़े अभी घर पे ठीक हो गए, और कुछ जो है तो ज्यादा बीमार इमरजेंसी में। 10 बजे खाया उन्होंने और रात के 2 बजे से जब नहीं फर्क पड़ा तो आज एम्बुलेंस बुलानी पड़े हमें गांव में। युवती वर्षा ने बताया कि गांव में एक मौत होने के बाद लोगों ने प्रसाद खाया था, जिसकी वजह से दर्जनों लोग बीमार हो गए हैं और अब इन लोगों का इलाज मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में चल रहा है। फंक्शन था एक गांव में, डेथ हुई है, तो छोटा सा प्रसाद देते हैं ना, थोड़ा सा चने वगैरह वो ही खिलाए थे इन सबको। उन जिन्होंने भी खाए उन सबको ऐसे ही हुआ है, पॉइजन हो गया आई थिंक ना, तो उसी वजह से इन सबको फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो फिर अभी तभी तो डॉक्टरों ने अभी इनको इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं। और भी काफ़ी आधे टोनी देवी में शिफ्ट किए हैं, आधे यहाँ पे हैं, और भी आ रहे हैं अभी एम्बुलेंस वगैरह। मतलब ऑलमोस्ट जिसने भी खाए हैं वो सारे ही हैं। मतलब वो ही बोल रहे हैं कि कुछ खाया है जिसकी वजह से इनको पॉइजन बना हुआ है। अभी वो जो प्रसाद था वो दे दिया है, अभी वो टेस्टिंग होगी उसकी भी पता चलेगा कि उसमें था कुछ और है। उपचार करवा रही महिला ने बताया कि प्रसाद में चने खाए थे, जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ गई है। मेरे को नहीं पता जी, रात को 2 बजे दस्त लगे थे, चने के वही खाई थी मैंने भी। ये तो माता जी ने लाई थी चाप, घर में खाई थी मैंने। 35-40 होंगे सर। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों लोग अचानक बीमार हो गए हैं और इनका हालचाल पूछने के लिए अस्पताल में आए हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का पता लगाया जाएगा कि आखिर किस वजह से लोगों की तबीयत इतनी खराब हुई है। और मेरे चुनाव क्षेत्र के कुछ लोग हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं, मैं इनसे मिलने के लिए आया था और मैं भी मिला हूं। और कुछ लोग टौनी देवी हॉस्पिटल में भी हूँ। विधायक होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है कि अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों का ख्याल रखा जाए। अभी मैं इनसे मिलकर आया हूँ और साथ में प्रशासन जो इसका हॉस्पिटल का जो प्रशासन है, इसको भी मैंने निर्देश दिए हैं कि इनका ध्यान रखा जाए। और कहीं ना कहीं किसी लेवल पर जो चूक हुई है उसकी जो है वो अभी तो जानकारी नहीं मिली है, परंतु हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ चूक हुई है, कि लोग बीमार हुए तो हुए क्यों।